हमारी सैलरियां कमा रहे हैं। अगले हफ्ते दिवाली के बोनस के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिवाली में चार मोतीचूर के लड्डू नहीं मिलने वाले हैं। तू यहाँ बोनस के ख्वाब देख रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले बॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी क्रू के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इस मूवी के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे इंडियन नेट कलेक्शन किया था 9,85,00,000 रुपए। वही दोस्तों इस मूवी ने अपने फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन किया था 30,25,00,000 रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने अपने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 44,53,00,000 रुपए का और 8वें दिन कलेक्शन 3,68,00,000 रुपए का। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने अपने 90वें दिन कलेक्शन किया था 5,30,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का 9 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका है 53,51,00,000 रुपए का और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 64,00,00,000 रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने ओवरसीज कलेक्शन किया है 32,00,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का 9 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 96,00,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बारे में, तो मूवी अपने 10वें दिन कलेक्शन करने वाले लगभग 6 करोड़ का कलेक्शन करने वाले अपने 10वें दिन। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के बजट के बारे में, तो इस मूवी का बजट है 37,00,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं क्रू के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग मिल चुके 8.1 की आउट ऑफ 10। दोस्तों इसी तरह से अपकमिंग मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों आपने भी क्रू देखी हो तो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर लिख देना। और दोस्तों इस मूवी को आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे कमेंट में जरूर लिख देना। दोस्तों आपको क्या लगता है मूवी आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं।